सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको मैं मुक्त ब्रह्मचर्य आसन बतलाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा आसन है उनके लिए जिन्हें ब्रह्मचर्य को साधना है, जिन्हें अपनी एकाग्रता को बढ़ानी है, ध्यान क्षमता को बढ़ानी है और इन्हें अपनी मानसिक शक्ति की वृद्धि करनी है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाए। तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण हो जाए, इसका ध्यान में भी बहुत प्रयोग होता है, लेकिन इस आसन से भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इस आसन को करने से आपकी टांगे बहुत मजबूत होंगी, घुटने का दर्द दूर होगा, पंजे का एड़ी का दर्द दूर होगा और गुदा भ्रंश जिनको हो जाता है या योनि भ्रंश हो जाता है या बवासीर की शिकायत है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। और जिनके हाथों में कंधे में दर्द है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है और वायु दोष संबंधित जो विकार हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। वात संबंधित रोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो कहना ना होगा कि यह बहुत ही उत्तम आसन है और इसे थोड़े से अभ्यास से आप धीरे धीरे करना सीख सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको यह जटिल लगे, कठिन लगे, परंतु क्रमशः अभ्यास कर करके आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। इस आसन को आप 15 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता है। तो जितनी भी देर आप कर लें, चाहे आप 10 सेकंड ही कर लें, 5 सेकंड ही कर लें, तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं और क्रमशः शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे आप जो है इसकी जो समयावधि जो है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यह प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय किया जा सकता है और इसको करने के पहले जो है शौच क्रिया से निवृत्त होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इसे करेंगे, चाहे प्रातः काल करें या सायंकाल करें। प्रातः काल करने से ज्यादा लाभकारी है। खुले स्थान पर कंबल या दरी बिछा करके बैठ करके इसे करना है और ढीले ढाले कपड़े पहनकर करना है, टाइट कपड़े, तंग कपड़े पहन करके इसे नहीं करना चाहिए। जो हमारी कामनाएं हैं उसके ऊपर भी यह नियंत्रण देता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित है कि यह ब्रह्मचर्य सिद्धि में बहुत ही लाभकारी है। और आगे की जितनी साधनाएं होती हैं, चाहे धारणा की हो, ध्यान की हो, समाधि की हो, उन सभी में ही यह बहुत ही लाभकारी है। तो अब देखिए कैसे इसे करते हैं। पंजे के बल पर आपको बैठ जाना है, पंजे के बल पर, और एड़ी को जो है आपको मल द्वार के नीचे रख लेना है। अब इसके बाद जो है आपको एक पैर जो है यह चढ़ा लेंगे जांघ पर, और घुटना जमीन पर नहीं सटेगा, ये ध्यान रहे। और उसके बाद हाथ को जो है आप उठाएंगे। इसे 2 विधि से करते हैं, मैं आपको दोनों ही विधियां को बताऊंगा। तो इस तरह से करके अब आप जो है के दाएं पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, दाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, मल द्वार को वहीं पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे।
इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से करेंगे। ये पहली विधि है। दूसरी विधि थोड़ी सी इससे और जटिल है। आपको पैर को एक पैर को आगे कर देना है। पैर बदल लेंगे। इस तरह से आप इसे करेंगे। क्रमशः अभ्यास आप बढ़ाते जा सकते हैं। दोनों ही विधियों से करेंगे तो ये आपको मुक्त ब्रह्मचर्य आसन पूरा हुआ। इसमें जो है ध्यान जो है आप एक जगह टिकाए रखेंगे, एक जगह दृष्टि गड़ाए रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि तभी आप जो है टिक पाएंगे, आसानी तभी होगी, अन्यथा लड़खड़ाने की संभावना रहती है। तो नज़र अपनी एक जगह रखिए और सांस पर ध्यान दीजिए तो सफल होंगे। हरिओम।